ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज का अपन क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जो अभी तक आपने कंसेप्ट पढ़ा उस पर बेस्ड जेई में जो क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन आपको अभी बोर्ड के पीछे दिख रहा है। पहले आपने उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ट्राई करिए इसको। इम्पोर्टेंट सम है और ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन है। तो फर्स्टली यू हैव टू ट्राई इट, फिर अपन उस पर डिस्कशन करेंगे जब तक बाकी बच्चे इसमें एंटर हो जाते हैं। हाँ बोलो अभिषेक, क्या बोलना है? सर कल का क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद ले लेंगे उसको, ठीक है ना? सॉल्यूशन, हाँ इसके बाद डिस्कस कर लेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू, वेयर अल्फा इज मोर देन बीटा एंड ए एन आपको गिवन है, यदि आप सफिक्स एन लेते हो तो इट इज इक्वल्स टू अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन। एन का वैल्यू आपने वन और वन से ज्यादा लेना है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टेन माइनस टू टाइम्स ऑफ ए एट डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ ए नाइन। इसका वैल्यू कितना होगा? वन टू थ्री और फोर। यू हैव फाइव मिनट्स फॉर इट, ट्राई करें जब तक और भी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो एंटर हो जाते हैं। कहीं क्वेश्चन रीड करने में आपको दिक्कत जा रही है, परेशानी जा रही है, तो उसको पूछ लीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग किशन। So n greater than 1 है क्या? Yes, n greater than or equal to 1 है। तो दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट सम, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आपको बोला कि जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी सम नहीं है। जैसे ए एन आपको अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन दिया है, तो यदि आप ए टेन लिखेंगे तो ये अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 बन जाएगा। ए 9 का मतलब अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 और ए 8। वेरी गुड मॉर्निंग। ए 8 जो है वो अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8, मतलब सफिक्स में एन की जगह पर आप जो भी वैल्यू डालेंगे वो पावर ले लेगा। पूरा 100% आप अपने इसमें एफर्ट डालिए और तुक्का बिल्कुल भी मत लगाइए, ट्राई करिए। ऐसे क्वेश्चंस अप्रोच करना जरूरी है। इफ इट यूर फर्स्ट टाइम तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल जाए, लेकिन एक दो क्वेश्चन जब अपन ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे
तो ये आप आसानी से बनाने लगोगे। आठ से दस बच्चे भी रिसेंटली ज्वाइन हुए। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेई में पूछा गया सवाल, और इससे आप ये रियलाइज करेंगे कि क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं होते, ट्रिकी होते हैं। तो किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जेई में, वो एक पहला सवाल आज हम अभी डिस्कस आपको कर रहे हैं। ए 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए 8 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए 9। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। वैसे देखने में बहुत लेंदी कैलकुलेशन लगता है, बट बहुत ट्रिकी सवाल है। आप बड़ा केयरफुली इसको अप्रोच करेंगे तो आंसर आ भी लाएगा आपका। और इसमें कहीं क्रॉस चेकिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल फिक्स कर दिया है। n की वैल्यू a 10 दी है, वो आपको डालना ही पड़ेगी, 8 डालना पड़ेगा और 9 भी डालना पड़ेगा। तो ये कहीं से क्रॉस चेक नहीं होता सवाल। तो एक्चुअल वे में जाके आपने इसको अप्रोच करना होगा। रॉन्ग तनिषा, दिस इज रॉन्ग आंसर। चेक योर आंसर, गलत है ये। ओके, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच दिस। देख लें आप इसका सॉल्यूशन। सुजल रॉन्ग है ये, अरहाता और सुजल चेक करो। अभिषेक चेक करिए रॉन्ग, सॉरी अभिषेक करेक्ट है, अभिषेक 72। कृषिका चेक करो, रॉन्ग है। सुजल ये भी रॉन्ग है, चेक करिए। नोमान रजा करेक्ट। वेदांशु चेक करो। तो आप केवल ये देखिए कि किस तरीके का सवाल आता है। जैसा आपको बोला कि एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, और हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहली बात, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। इसका जो वैल्यू है वो 3 आता है। सुमित तजने करेक्ट, लास्ट आंसर। नाउ हाउ टू अप्रोच दिस,
we have to find the value of this expression. And to find this value, सबसे पहला आपको ये बताया है कभी भी when we given alpha beta are roots of this quadratic. तो always we write their sum. सबसे पहले आप ये दो बातें लिख लिया करें. Sum of root होता है minus b by a, which is 6. And product of roots is c by a, which is minus 2. ये अपना first equation हो गया. ये आप सबसे पहले लिख लिया करो. ये जो पहली लाइन आपको दी है, ये पहली लाइन का यूटिलाइजेशन अब खत्म हो गया. एंड नाउ इस एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू निकालना था, वो अपन यहां पर अब कॉपी कर लेते हैं. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a tan माइनस 2 टाइम्स ऑफ a 8 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a 9. सबका वैल्यू पुट अप करिए. a tan मतलब यहां पर n की जगह पर 10 डालेंगे, तो यहां भी 10 और यहां भी 10 हो जाएगा. मतलब a tan का वैल्यू आप लिख सकते हो अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10. ये माइनस 2 एज सच है. हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ a 8 व्हिच इज अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8. सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर it is 2 times of alpha power 9 minus beta power 9. सबका value डाल दिया. So सबसे पहले here we put the values of a 10, a 8 और a 9. अब अगला step जो है, in place of this minus 2, ये minus 2 की जगह पर from the first equation वी कैन राइट माइनस 2 को अपन लिख सकते हैं इस बात की हेल्प से अल्फा इंटू बीटा. तो माइनस 2 की जगह अल्फा बीटा लिख दिया. बाकी सब ऐसा सच रखिए, अल्फा पावर 8 बीटा पावर 8, बस इतना सा था इसमें. और उसके बाद अपन अगले स्टेप में ऑलमोस्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे. तो हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ माइनस 2, वो डिजिट हटा दिया अपन ने, अल्फा बीटा लिख दिया. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एंड अगली दो लाइन में वी गेट अवर आंसर. तो केवल पहले सम और प्रोडक्ट लिखा एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सबका वैल्यू डाल दिया एंड आफ्टर दिस माइनस 2 की जगह अल्फा इंटू बीटा लिखा है. स्क्रीनशॉट लें इसका. ले लिए सर. एंड नाउ सॉल्यूशन का अगला स्टेप. देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 प्लस अल्फा बीटा अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो जब अल्फा बीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा पावर 9 हो जाएगा इनटू बीटा आएगा. फिर ये वाला माइनस साइन, अल्फा बीटा को बीटा पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इनटू बीटा पावर 9 हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय अल्फा पावर 9 बीटा पावर 9 रिमेन्स एज सच. और अब ये जो दो टर्म आपको दिख रहे हैं इसमें अल्फा पावर 9 कॉमन आ जाता है तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा. हाँ बोलो. सो अल्फा 9 के से वहां पे तो 8 आना चाहिए ना. अरे जब अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर बढ़ा देगा ना जी. यस. हाँ और अब देखो हियर, तो मैंने ये दो टर्म में अल्फा पावर 9 कॉमन ले लिया एंड सिमिलरली जो रिमेनिंग माइनस वाले दो टर्म्स हैं इसमें माइनस बीटा पावर 9 कॉमन आ जाएगा. अब माइनस बीटा पावर 9 कॉमन लेंगे सो अगेन वी गेट अल्फा प्लस बीटा. ऑलमोस्ट डन. नाउ वी गेट अवर आंसर. देखिए अब क्या कॉमन आता है न्यूमरेटर में, अल्फा प्लस बीटा कॉमन आता है.
क्या बचा, अल्फा पावर 9। ये देखिए, ये पूरा डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, ये पूरा कैंसिल हो जाता है, इसकी जरूरत ही नहीं। अब ये आपके पास ओनली बचता है अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय 2, एंड सिंस वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 6, इट इज 6 बाय 2 व्हिच गिव्स यू 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ से शुरुआत किया सर, फोर्थ स्टेप नहीं समझी। क्या नहीं समझा उसमें? हेलो सर, फोर्थ स्टेप क्या नहीं समझा उसमें, वो तो बताओ सर। वो अल्फा पावर 10 एंड बीटा पावर 10 प्लस वाला, ये उसके ऊपर वाली, ये तो पहला टर्म है, सच कॉपी किया है इसको, इसमें मल्टी, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, जरा बताओ कितना आएगा ऋषि, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो अल्फा पावर 1 और अल्फा पावर 8 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 8 कितना बनाएगा? 9। तो ये अल्फा पावर 9 इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया। अब ये अल्फा बीटा इस वाले टर्म में अभी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बीटा पावर 1 और बीटा पावर 8, बीटा बीटा बेस सेम है, तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 9। समझा अभी ये स्टेप? हाँ। ओके चलिए सर, उसके नीचे वाली स्टेप में अल्फा प्लस बीटा कॉमन के, अल्फा प्लस बीटा ये वाला, ये स्टेप? यस सर, यस सर। देखो, हाँ देखो, यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया ना, ये दो टर्म, एक ये वाला और ये एक वाला, इसमें आप कितना कॉमन ले सकते हो? ये दोनों टर्म में कितना कॉमन आएगा? मैक्सिमम अल्फा पावर 9 कॉमन आएगा। अभी अल्फा पावर 9 कॉमन लेंगे, माइक म्यूट करो, किसका ऑन है? ऋषि, हाँ, अल्फा पावर 9 कॉमन आ जाएगा ये दोनों टर्म में। हाईएस्ट पावर अल्फा की कितनी है? जितना मैक्सिमम हो सके वो कॉमन लेना। तो ये जो दोनों टर्म अंडरलाइन किए, इसमें अल्फा पावर 9 कॉमन आ गया, तो बचा क्या? यहाँ पर अल्फा पावर 9 बाहर निकाल दिया तो एक अल्फा बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा? बीटा बचा, ठीक है। तो दो अंडरलाइन जो टर्म किए उसमें अल्फा पावर 9 कॉमन लिया, और ये जो दो नेगेटिव वाले टर्म अब बचे हैं, इन दोनों में बीटा पावर 9 कॉमन लिया, माइनस बीटा पावर 9। जब माइनस बीटा पावर 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक बीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा? एक अल्फा। अभी समझाइए। यस सर, समझ गया। ओके ओके, अभी भी कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट लें, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन आता है विच इज 3। इस तरीके से अप्रोच करेंगे, तो यही आपको बताया था। देखने में क्वेश्चन बड़ा मुश्किल दिखता है, लेकिन विद इन टाइम लिमिट इसको सॉल्व भी करना होता है, और इस तरीके से सवाल आपको पूछे जाते हैं। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, आप अगला क्वेश्चन आप ट्राई करें। हटा दूं इसका सॉल्यूशन? यस। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, थोड़ा सा इजी सवाल देते हैं आपको, ये भी इजी था, ट्रिकी था, बट चलो करो इसको, ध्यान से करिएगा ना। पहले अपन ने बहुत थ्योरी पढ़ के आए हैं, उन सारी थ्योरी का यूटिलाइजेशन करिए, फॉर्मूला कॉपी जो भी आपने बनाया उसको सामने रखिए और उसको देख के फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो क्वेश्चन है, If we subtract 1 from the roots of equation, if
वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स में से यदि मैं वन सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब यदि सपोज जैसे आपने रूट्स अल्फा और बीटा लिए हैं, तो अब यदि मैं अल्फा माइनस वन और बीटा माइनस वन बना दूं, तो वी गेट न्यू इक्वेशन एंड गेट न्यू इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, देन विच वन इज करेक्ट, आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या a बराबर माइनस बी आएगा, दी फर्स्ट ऑप्शन a इक्वल्स टू माइनस बी होता है, या फिर b इक्वल्स टू माइनस सी होता है, या c इक्वल्स टू माइनस ए आएगा, या फोर्थ ऑप्शन b बराबर a प्लस सी होगा। विच वन इज करेक्ट, मतलब ए बी सी में रिलेशन फाइंड आउट करना। करिए ट्राई। ओके, एक आध तो कोई आंसर करो इसका, इतना मुश्किल नहीं है, जितना डेटा दिया है वह वैसा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ये इजीली दे देता आंसर। नहीं यश घरडे, शुड बी रॉन्ग वन। संकेत उमरेटकर गलत है बेटा, ये अभिषेक यादव रॉन्ग। ऋतिक रोशन गलत का नहीं, सुमित सजने करेक्ट है। ऋतिक रोशन चेक करें, ऋतिक रोशन यादव जेईई मानकापुर। ओके अथर्वा करेक्ट है। अभिषेक 72 चेक करो। तनुश्री तलमले करेक्ट, वेरी गुड। सुशिका करेक्ट है। अंशु करेक्ट है। संकेत उमरेटकर करेक्ट। वेदांशु चेक करो। अक्षत चेक करो। मिताली चेक करो। यह जनबंधु करेक्ट है।
ऋषि करेक्ट, किशन लोखंडे करेक्ट, सर आंसर भेजा ना, तो बता भी दिया, सुनते नहीं क्या? चलिए तो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, अब नहीं आ रहा बच्चों का आंसर। सुजल करेक्ट है, अभिषेक यादव करेक्ट, ऐसे ही बी फास्ट ऐसे ही आंसर करोगे तो आपको भी बढ़िया लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, आंसर आते रहना चाहिए। वेदांशु करेक्ट है, अभी बीस के आसपास बच्चों का आंसर आया, 40 बच्चों का अभी भी नहीं आया। चलिए कोई ना, हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हाउ टू अप्रोच, अर्हाता करेक्ट है, और अब देख लीजिए सॉल्यूशन, स्वयं चेक करो बेटा रॉन्ग है ये। सो मयंक चेक करो रॉन्ग है, तन्वी चेक करो रॉन्ग है, तन्वी परमार, ओके कोई ना, अभी आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, बी इक्वल्स टू माइनस सी आता है, दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इक्वल्स टू माइनस सी, और देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो बी अल्फा बीटा, देयरफॉर दो बातें आपको मिल जाएंगी, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, हियर वी गेट सम एंड प्रोडक्ट बोथ, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन। ऑल्सो अब आपको गिवन है, यदि आप रूट्स में अल्फा माइनस वन और बीटा माइनस वन दोनों रूट्स में एक एक सबट्रैक्ट करते हैं तो ये जो अल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन है इसके रूट्स बन जाएंगे, ये दो रूट्स हो गए, अल्फा माइनस वन और बीटा माइनस वन इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, और यदि इसके रूट्स हैं तो इन दोनों का एडिशन करोगे सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस एट बाई टू विच इज माइनस फोर, ये माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू को ट्रांसफर करेंगे प्लस टू हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस टू, ठीक है, ये वन वन ट्रांसफर कर दिया माइनस टू बचा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस टू हो गया, और आपको अल्फा प्लस बीटा जो दिया था वो माइनस बी बाई ए दिया था, तो यदि मैं इसकी जगह माइनस बी बाई ए लिखता हूं तो फिर हमको रिलेशन मिलता है बी बराबर टू ए, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं था, तो मैं अगला रिलेशन अब यूज करता हूं अल्फा बीटा, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट अपन लेंगे, अब अल्फा माइनस वन और बीटा माइनस वन का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए विच इज टू अपॉन टू वन, ना इसका जब आप प्रोडक्ट करेंगे व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट, अल्फा पहले बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा बनाएगा,
फिर अल्फा माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वन दिया है, तो ये वन और ये वन कैंसिल हो जाते हैं, तो इनडायरेक्टली अब देखिए हियर वी गेट अवर आंसर। ये देखो अभी, तो इससे क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो सम ऑफ रूट्स के बराबर आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, एंड हियर वी गेट अवर आंसर बी इक्वल्स टू माइनस सी। नोट कर लीजिए, इतना सा था बस। सो दिस इज द सेकंड ऑप्शन, बी इक्वल्स टू माइनस सी। स्क्रीनशॉट लें इसका, कोई डाउट है कहीं पर तो पूछ लें। सबसे पहले मैंने हाँ बोलो बेटा, रो अल्फा प्लस माइनस टू कैसे है? ये माइनस वन और माइनस वन कितना होगा, माइनस टू, और माइनस टू को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर तो माइनस फोर प्लस टू हो जाएगा, और माइनस फोर प्लस टू कितना होता है, माइनस टू। समझा अभी? अरे समझ गया। यस सर। ओके हाँ हर्षल, क्या डाउट है? सर कुछ भी नहीं समझा। क्या नहीं कुछ भी समझा, वो तो बताओ। सर वो माइनस फोर कहाँ से आया? ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, ये किसके रूट्स है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया था आपको, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, यही दिया था सेकेंड क्वाड्रेटिक। तो देखो अभी हुआ क्या है, एक्चुअली अल्फा बीटा अपन ने इसके रूट्स माने ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और यदि आपने इसमें वन वन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये रूट्स हो गए 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 के। ये क्वेश्चन में दिया था आपको, तब अपन ने क्या किया, इन दोनों रूट्स को ऐड किया है, और आप जानते हो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो 8 बाई 2 कितना हो जाएगा, अभी समझाइए। हाँ सर। ओके और कोई डाउट किसी को पूछ लीजिए, मन में ना रखें। क्लियर है हर्षल अभी? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लो। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट था, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा ट्राई करिए अब। हाँ बोलो बेटा। सर वो कल का लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं करा आपने? कल का क्या था क्वेश्चन? सर वो टेन वाला। ओके क्वेश्चन पढ़ दो एक बार, बता देता हूँ वो क्वेश्चन। बोलो बेटा। इफ टेन अल्फा हाँ एंड टेन बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो देन फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ओके वी हैव टू फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये फाइंड करने के लिए अपन पहले टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो आप जानते हो टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाएगा ना तो अपन यही कैलकुलेट करेंगे। टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। नाउ अब क्या होगा, दिस इज सम ऑफ रूट्स, क्योंकि टेन अल्फा टेन बीटा उसके रूट्स हैं, तो दोनों रूट्स का सम, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ये सम ऑफ रूट्स लिखा है तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ये होता है, तो सम ऑफ रूट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी, और डिवाइडेड बाय दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट सी अपॉन ए। यहां तक समझ गया, यहां तक कोई डाउट? यस सर समझ गया। ओके यस सर। नाउ
माइक क्यों चालू करके रखते हैं? सर वो माइनस पी रहेगा ना? नहीं, माइनस माइनस पी हो जाएगा ना, माइनस बी बाई ए होता है, बी का वैल्यू माइनस पी है। यदि आप ए बी सी लिखोगे तो ए का वैल्यू कितना, वन, बी का वैल्यू कितना है, माइनस पी, और सी का वैल्यू कितना है, क्यू। अपन क्या लिखते हैं, माइनस बी, अब माइनस बी करोगे तो प्लस पी हो जाएगा, ठीक है, समझ गया अभी? हाँ सर। ओके, चलिए हियर वी डिस्कस। तो टेन अल्फा प्लस बीटा ये आ गया। अब टेन की हेल्प से वी कैलकुलेट साइन। तो अब मैं साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल देता हूं। तो देखिए अभी ये हमारा टेन अल्फा प्लस बीटा था, और आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, अब यदि आप ये राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करोगे और ये एंगल आपने अल्फा प्लस बीटा लिया, सपोज ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये आपको टेन अल्फा प्लस बीटा दिया था, इसका मतलब दो साइड दिए थे, तो टेन अल्फा प्लस बीटा पी अपॉन वन माइनस क्यू है। अब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो लेंथ आ जाएगी स्क्वायर रूट ओवर इन दोनों के स्क्वायरिंग का सम, मतलब पी स्क्वायर और वन माइनस क्यू स्क्वायर। सो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, मतलब दो साइड दिए हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज टू साइड वी गेट द थर्ड साइड, एंड वंस वी गेट दिस साइड, तीसरा साइड आपको मिल गया, सो देयरफॉर इसकी हेल्प से वी कैन राइट कि साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, पी अपॉन दिस स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस वन माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दिस इंप्लाइज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो स्क्वायरिंग कर दिया तो ऊपर पी स्क्वायर हो गया और नीचे से रूट हट जाएगा, तो ये आंसर आता है वन माइनस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्लियर है, समझ गया अभी? यस सर। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लास्ट क्वेश्चन था, कल का होमवर्क था, ये कई सारे बच्चों ने तुरंत ही डाल दिया था, कई का आज तक भी नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका सर। और एक, हाँ बोलो बेटा, हेलो बोलो जल्दी से, कौन बोल रहा, सर करके कौन रुक गया भाई, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिए सर। ओके, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये होमवर्क है आपका, आप इसको ट्राई करिएगा सभी। क्वेश्चन है, इफ द रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, इफ रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन ऑफ, कौन से इक्वेशन के, इक्वेशन आपको दिया है वन अपॉन एक्स प्लस पी प्लस वन अपॉन एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन आर, पी क्यू आर कोई भी रियल नंबर, वन अपॉन एक्स प्लस पी, वन अपॉन एक्स प्लस क्यू, वन अपॉन आर, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एज, चार ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है क्या ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू आता है, या फिर ये माइनस ऑफ
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू आएगा, या फिर दिस इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू एंड दी लास्ट इसी के सामने माइनस डाल दिया, विच वन इज करेक्ट ट्राई करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी करेंगे हम फिर अगली क्लास में। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना, गुड नाइट, बाय। ओके सर, बाय सर, सो जाइए, बाय सर, बाय बेटा। सर आप, हेलो सर, आप सर आप एनडीए वाले बच्चों को भी पढ़ाएंगे मैथ्स? हाँ तनुश्री बोलो, क्या बोल रही है? सर वो बुक्स लेनी थी तो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी की बुक्स ली थी, स्टेट बोर्ड की, अभी स्टेट बोर्ड का भी, सॉरी स्टेट बोर्ड लिया है 11th 12th में मैंने। हाँ तो करो ना उससे, स्टेट बोर्ड लिया तो अच्छी बात है। तो सर मैं बुक्स स्टेट बोर्ड के लिए यही करना है ना। हाँ तो अभी तो देखो टेक्स्ट बुक ले लिया, कॉम्पिटिटिव के लिए हम आपको बताएंगे बुक कौन सी लेनी है। अभी तो आपको मॉड्यूल मिला होगा ना इंस्टीट्यूट से। हाँ तो अभी उसको 10 से 15 दिन अभी वेट करो, फिर मैं आपको बुक बताऊंगा, वो बुक परचेज कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओके, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ओके बाय एवरीवन, है ना? बाय सर, बाय सर, थैंक्स।